आगे आगरा से बड़ी खबर आ रही, दुकान का शटर काटकर डकैती की गई आगरा में। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया है। मालिक और बदमाशों के बीच में फायरिंग भी हुई है और फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। 19 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना चोरी हुआ है। 1,60,000 की नकदी लेकर भी बदमाश फरार हो गए हैं। थाना अचनेरा के रैभा गांव की घटना है, जहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान का शटर काटकर डकैती की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने डकैती की है। मालिक और बदमाशों के बीच में इस दौरान झड़प भी हुई, फायरिंग भी हुई और फायरिंग में बदमाश को गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि 19 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के साथ में 1,60,000 की नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। आगरा से हमारे संवाददाता नागेंद्र त्यागी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नागेंद्र, एक चोरी की घटना हुई है, बताया जा रहा कि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शटर काटकर एक दुकान में चोरी की है और जो मालिक था दुकान का उसके साथ में उसकी बदमाशों की झड़प भी हुई, फायरिंग भी हुई है। बिल्कुल धीरे से मैं बताना चाहूंगा, थाना अचनेरा के रायबा कस्बे की घटना, जहाँ पे एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान थी, तो आधा दर्जन से ज्यादा जो चोर थे वो आए वहां पर, उन्होंने शटर काटा, उसके बाद 19 किलो चांदी और 40 से 50 ग्राम के करीब सोना है और 1,00,000 से ऊपर की नकदी को लेकर वो फरार हो गए। लेकिन फरार होते समय जो मालिक था, जो सर्राफा व्यवसायी था, वो जाग गया और दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के गोली भी लगी है। बदमाशों की अभी तक कोई पहचान हो पाई आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए, या फिर जो दुकान का मालिक था उसने उन बदमाशों की पहचान की है? बिल्कुल धीरेन, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है उससे बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया और पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। जी नागिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।